हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली 2 से 3 वीडियो मिलती हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ, जैसे कि आप सबको पता ही है कि एचटेट का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट नहीं आया, जिसमें उनके रिजल्ट के सामने उनका RLE लिखा हुआ है। तो सबने मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि RLE का मतलब क्या है, क्या हमारे रिजल्ट लेट क्यों है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलो उनका सबका डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आज बोर्ड की वेबसाइट पे एक नया अपडेट आया है एचटेट के रिगार्डिंग, तो उसको आप को पढ़ लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो सब RLE के बारे में ही लिखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ये प्रेस नोट रिगार्डिंग एस्टेट दिसंबर 2017 लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ये PDF खुल के आ जाएगी फाइल। तो इस PDF फाइल में ये यहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छे से नहीं आ रहा, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसे हम दूसरे ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो ओपन करने पर ये कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि प्रेस नोट में लिखा क्या हुआ है। तो चलो बात स्टार्ट करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, प्रेस नोट। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2017। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2017 से संबंधित कुछ परीक्षार्थियों के आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया तकनीकी कारणों अन्य कारणों से पूर्ण नहीं हो पाई है। ऐसे परीक्षार्थी को दिनांक 23, 24, 25 को आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया करने हेतु बुलाया गया हो। ये दोस्तों ने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया है 23, 24, 25 को जिनकी आधार मैट्रिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उनको अपने जिला में जो उनके सेंटर बने हैं, नहीं तो बोर्ड मुख्यालय में जाके अपने आधार आधारित प्रक्रिया को पूरा कराना है। तो जिन्होंने नहीं कराया उन्हीं का ही रिजल्ट नहीं आया हुआ और उन्हीं के रिजल्ट के आगे RLE लिखा हुआ है और उसके बारे में ही ये अपडेट है। आगे पर चलते हैं। तो जिनका पहचान प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई उन्हीं के परिणाम के आगे RLE घोषित किया गया है। ऐसे सभी परीक्षार्थियों को दिनांक 10/3/2018 मतलब 10 इसी मंथ की 10 तारीख को सॉरी 10 तारीख से लेकर 15 मार्च 2018 तक बोर्ड मुख्यालय के अध्यापक भवन में स्थापित केंद्र पर आकर अपनी आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया सुबह 9:30 से लेकर 4:30 बजे तक पूर्ण करानी है, ठीक है दोस्तों। कि और वो बोर्ड मुख्यालय के संबंधित शाखा अवकाश के दिनों में भी खुली रहेंगी। तो दोस्तों ये है अपडेट कि जिनका परिणाम नहीं आया, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, RLE लिखा आ रहा है, उनके लिए एक और मौका है कि वो अपनी आधार प्रक्रिया को पूरा कर ले। 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में बोर्ड के अध्यापक भवन में जाकर। तो दोस्तों ये है अपडेट। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जिनका RLE लिखा हुआ है वो वहाँ पे चले जाए और उनका रिजल्ट आ जाए और उनका आई विश उनका पेपर भी क्लियर हो जाए। तो चलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर